और भगवत भक्त राजा हरिश्चंद्र भी है। जब तक धरती रहेली, मानव जाति रहेली, तब तक ऐसा प्रतापी राजा माने ये जगत याद करेली। सजनों, अयोध्या राजा हा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ परोपकारी दयावान और भगवत भक्त हा। सजनों, हरिश्चंद्र रे जीवन रे बारे में कवि लोग कल्पना करता हुआ कह रिया है, चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहार, बेदृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को तरे न सति विचार, ते दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को तरे न सति विचार। कैसा पराक्रमी राजा है, आओ प्रथम कुछ पंक्तियां के द्वारा वे की जीवनरी महिमा सुनाओ। तरवर ते ठंडी छाया, तरवर ते ठंडी छाया, सरवर ते मीठो पानी, सरवर ते मीठो पानी, पर हित परमारत पंथी जीवन में जिंद का, पर हित परमारत पंथी जीवन में मंदड़े पर कसती नी लगाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रहे तो तेरु नाम रे, जे जे जुग वाला अमर रहे तो तेरु नाम। अरे गूंजे धरती में चारों धाम रे, गूंजे धरती में चारों धाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रे तो तेरु नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर रहे तो तेरु नाम रे, हरिश्चंद्र राजा अमर। बोली सदगुरुदेव की। सजनों, परमार्थी और परोपकारी राजा हा, लिखियो ही संत, तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे में, परमारतरे कारणे चारू धारी दे।
तरवर सरवर इंद्र और संत ये चारों परमार्थ रिया करे सजनों। तो हरिश्चंद्र राजा गृहस्थी संत हा और महान पराक्रमी पुरुष हा। तो ये राजारी जो सत्य निष्ठारी जो महिमा है वह स्वर्ग लोक तक पहुंच गई सजनों। एक दिन री बात है कि गुरु वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मा जी रे पास में विराजा हा, साथ में नारद जी भी हा। ब्रह्मा जी पूछे रे नारद, अभी संसार में सबसे सत्य निष्ठ राजा कौन है? तो नारद जी बोलिया, अभी तो महाराजा हरिश्चंद्र है, बे के मुकाबले दुनिया में कोई सत्य निष्ठ और धर्मात्मा राजा नहीं। सजनों ही बात रो समर्थन गुरु वशिष्ठ करियो, पर गुरु विश्वामित्र ही बात में आना का नहीं करी और बोलिया के नहीं, प्रथम में मैं परीक्षा ले हूं और फिर ये बात रो उत्तर दे के वास्तु में सत्य निष्ठ है कि नहीं है। शतरी सौरभ छाएगी, तीन लोक रे मां, पारक हरिश्चंद्र की करी सपने में ऋषिया। पारक हरिश्चंद्र की करी सपने में ऋषिया। ऐसे विश्वामित्र ऋषि परीक्षा लेना भाव जागा सजनों। कुछ समय बाद राजा एक राष्ट्रीय यज्ञ करवाड़ियो हरिश्चंद्र, यज्ञ संपन्न वेने वालो हो, विषय में ऋषि विश्वामित्र आया और बोल रहा, राजन में थारा दरबार में कुछ मांगने आयो हूँ। प्रणाम कर राजा हरिश्चंद्र बोले, मांगो गुरुदेव। सजनों राष्ट्र यज्ञ में आधो खजानो लगभग खाली वे गो राजा हरिश्चंद्र, फिर भी 1 करोड़ री स्वर्ण मुद्रा मांगी ही विश्वामित्र हरिश्चंद्र कनु। राजा हरिश्चंद्र के भगवन, मैं पूरी नगरी ने बेच दू तो भी ये आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकूं, पर मैं मारा वतन वचन माते अटल हूं। रघुकुल रीत सदा चला आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सजनों लिखे विषमे पूरी नगरी विश्वामित्र ने एक वचन सु सौंप दी राजा हरिश्चंद्र, फिर भी 1500 मुद्रा बाकी देगी। ऋषि विश्वामित्र के, राजन 1500 मुद्रा लाओ, चाहे खुद ने बेचना भी क्यों नहीं पड़े, और ये नगरी से बाहर निकलो, अभी नगरी माते थारो कोई अधिकार नहीं, ये नगरी मारी हो। दे दीनो सब दान में, सूरी वंश सिरमो जाते ही सब त्यागियो राज वस्त्र तक छो। जाते हैं सब त्याग के राज वस्त्र तक छोड़, अपनी पत्नी और पुत्र रोहिता सौ पत्नी तारामती रे साथ में हरिश्चंद्र विषमे नगरी से निकल पड़िया अवधपुरी से। और विचार करियो के मैं काशी नगरी जो भगवान विश्वनाथ महादेव री है, तीन लोकों न्यारी है, भी नगरी री तरफ प्रस्थान करे पैदल नंगे पांव। लिखे है कुंपल सी कमली काया, कुंपल सी कमली काया, सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी। अरे भूला पर चालन वाली कांता में तिरे वाली, भूला पर चालन वाली कांता पर तिरे वाली। जुड़
जोड़ती काम रे हरिचंद राजा अमर रे हे गो तेरो नाम रे हरिचंद्र राजा काया की तारा मती वो कभी पैदल भी नहीं चलती फिर ऐसी सुंदर तारा मती रानी आज जंगल में उजाड़ में चल रही है जो फूला माते चलने वाली रानी आज समय आयो सजनों जब कांटा पर चल रही है सजनों समय परिवर्तन सील लिया करे राजा ने रंग बनाई देवरे रंग में राजू बनाई देखे भोका और तिरसा एक महीना रो समय लागो काशी पधारना में चल रिया है काशी की तरफ और गुरु विश्वामित्र सु कॉल करियो एक महीना उपरांत में आप जो राशि है जो मुद्रा है 1500 वो आपने चुकाए दो 1500 स्वर्ण मुद्रा एक महीनों बधित देवने वालों हो सजनों और 30 दिन रो महीनों वे जैसे तो 29वें दिन राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में प्रवेश करें बहुत भूखा तृष्या जब एक पंडित मिले और वो राजा हरिश्चंद्र ने कहे आप जल पियो हरिश्चंद्र राजा बोल रहा नहीं नहीं मारे ऊपर बड़ो भारी ऋषियों कर्जो है और वो कर्जो नहीं चुकेला जब तक मैं जल नहीं पियूं धन्य है ऐसा सतवादी राजा ने सजनों ऋषि विश्वामित्र प्रगट वे धमकी दे रिया है कि राजन एक महीनों बधित वेने वालों और थारे वचन रोकाएंगे एक दिन बाकी है हरिश्चंद्र हाथ जोड़ बोले ऋषि आपकी जो भी राशि है वो मोर लुटाऊं अब कहीं करे सजनों दूसरों दिन आधो बीत के ऊपर कोई व्यवस्था भी नहीं काशी नगरा बाजार में खड़ा हुए आंखिया में आंसू पड़ रहा है तारामती रानी के छोटे बालक रोहित साथ है राजा हरिश्चंद्र रो रहा है और ऐसे बोली लगा रहा है कि भाई मैं कोई नौकर चाकर ले सका सेवा में और स्वयं में मिलान कर लिया काशी नगर बाजार में शतरी पत बिक गो संरत शतरी पत बिक गो संरत अरे शतरी पत बिक गी रानी शतरी पत बिक गी रानी अवधपुरी रो राजा भरसी सुधर घर पानी अवधपुरी रो राजा भरसी सुधर घर पानी हरिश्चंद्र मोल तो एक चांडाल लगायो शमशान में नौकरी करनी है जो भी दाग संस्कार करे मेरे पास में कर ले हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारामती वो सजनों मैंने एक ब्राह्मण बीवी है तारामती बोली मैं पर पुरुषरी तरफ नजर नहीं डालूंगा और कोई काम नहीं करूंगा झाड़ू फूस पोछा जल भरनो ये काम कर ले बलिहारी है सजनों लिखे मन सू चांदड़ नो छिप गो मन सू चांदड़ नो छिप गो अरे धरती माँ हुई नच कानी बह तो बायरियों
घूमत सब नीला रे करती नो घूमत सब नीला रे बच नारा बारू अमर रे वो तेरु नाम रे बच नारा बारू अमरे रे नीलाम कर दियो सजनों केसो रिहायसी ठाट बाटो पर समय रो कोई भरोसा नहीं पर पलटी खजावे सजनों लिखे अर सो में हो राम सुदासन जिल मिलता हीरा मोती तानस प्यारो सबरे नैनानी ज्योति नगरी में तानस प्यारो सबरे नैनानी ज्योति झूला रे समरा झूल तो झूला रे समरा झूल तो अरे ढूलता मरगट पर लकड़ा भाड़े हरिचंद ने हाथ उलाड़ी हरिचंद ने अरे तड़के दिन रात मिले विश्राम रे तड़के दिन रात मिले विश्राम रे मोहनिया मारू अमर रे उगतड़े पर भाते ढलती सामरे उगतड़े पर भाते ढलती सामरे जे जे जुगबाला अमर रे वो तेरु नाम रे तो दाग देतो और बे लकड़ियां और दाग दे उनो कुछ कर ले तो पैसा ले तो और तारा मती रानी अपना पुत्र रोहिता सोरे साथ में एक ब्राह्मण रे घर फूस पोछा करता बड़ो कष्ट पड़ियो सजनो फिर भी सत्य ने नहीं छोड़ियो फिर भी अपना धर्म ने नहीं छोड़ियो समय बीतती गई चांडाल हरिश्चंद्र ने बड़ो दुख देतो ब्राह्मण भी तारा मती ने दुख देतो एक दिन छोटो बालक रोहित उपवन में खेलते हो और एक तक्षक नाग आए दस्यो नाग आए दस्यो सजनो रोहिता सौरी भी समय मौत हो तारामती रानी दौड़ी जद रोहिता सो चिल्लायो और आगे देखे तो मृतक पुत्र रोहित रितो मुख सो जाग आ रही खत्म दे दो दुखारो पाट टूट को सजनों कोई शमशान में लिजोने वालों भी नहीं है
अपना पुत्र ने छाती रिचे और रोती हुई विदा तारा नेम ने स्वीकार करती हुई तारामती रानी शमशान भूमि में जा रही है। गंगा रे तक माते हुए शमशान जटी जला दो। अंधारी रात्रि कोई साथ भी नहीं चलिया सजनो, पुत्री लाश ने छाती ने चेपी आंखें आंसू आ रही है चल रही है। उधर राजा हरिश्चंद्र लकड़ा फाड़े जंगल में, तारामती पहचाने में रातों अंधारो हो और बोल रही है भाई मारा पुत्री मृत्यु होगी रे दाग देनो ही में लिखे एक दिन गंगा रे तीरे एक दिन मिल गया तो बिछड़िया प्राणी घड़ियों चाहते माने बोली तारा मती रानी घड़ियों चाहते माने राजा रे कान में जब आवाज पड़ी तो आवाज कुछ छंदी लगी ये आवाज तो कटी सुनो नहीं लगी ये तो आवाज मारी तारा मती रानी नहीं लगी सजनो बोले तो कौन है भाई तारामती बोल रही है अवधपुरिया राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारामती हूँ और मारो पुत्र रोहिता से खत्म हो आंखा में आंसू नहीं माया सजनो सेंदी सी बोली सुन के सेंदी सी बोली सुन के समड़ियो सतवादी पर अपनो धर्म निभावन पर अपनो कर क्यों वो आना गाने झुक जा तो नैना कर सलाम रे झुक जा तो नैना कर सलाम रे जन्मारा भीड़ू रे या युड़ाने जन्मारा जन्मारा भीड़ू रे या हिंडा में अरे गूंजे धरती में चरणाम रे गूंजे धरती में चरणाम रे अरे प्रतापी राजा अमर रे प्रतापी राजा अमर रे धर्म ने ले और मारो पुत्र खत्म लियो मन कोई परवाह नहीं हरिश्चंद्र बोल दिया है हे रानी नियम है मारो ऐसे तो तू मारी पत्नी है पर मारो नियम है काटे जलावे जिकारो में कर लिया करो और कर दो और फिर जड़ो कर तो हो नहीं हरिश्चंद्र रानी तारामती बोल रही कर लू कठो केसो कष्ट सोनो तप कंचन भणे मतवे जीव हतास साच रे मारगिए सदा त्याग तपस्या
यदि सुनार तपावे नहीं तो वो कंचन कैसे बने। ऐसे ही सजनों जीवन में कष्ट और पीड़ा नहीं आवे जब तक आप मेरे जीवन निखरे कैसे। लिखे मत वे जीव अतास सांच ने मारे की सदा त्याग तपस्या और त्रास। सांच ने मारक वास्ते तपस्या करनी पड़े जीवन में त्याग करना पड़े और त्रास सहन करनी पड़े। वाह वाह आज ऐसी विपदा फिर भी हरिश्चंद्र मना कर दी। हरिश्चंद्र ऐसी त्याग तपस्या त्रासन देख गुरु विश्वामित्र खुश वेगा ब्रह्मा विष्णु महेश खुश वेगा और तीनों देव प्रकट वेगा। सजनों तीनों देव प्रकट हुआ।